बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी को अपमानित कर दिया। भरी सभा में जब गुरुजी पधारे तो इंद्र ने अपने गुरुजी का सम्मान नहीं किया, तब गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया और गुरु बना करके नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विद ध्यान मम सर्वरक्षाम्यस्तांग्री पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमासिक देशु चापापासान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जलेषु माम रक्षतु मत्समूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटु मामिनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु टभ्यजमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो सूर्योत्पारि विमुञ्चतो यस्य महाट्यहासं दशो विनेदुर् न्युपतंस्य गर्भाः। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। नारायण कवच की दीक्षा पाकर इंद्र बलवान हो गए और उन्होंने राक्षसों को पराजित कर दिया। तब इंद्र ने यज्ञ कराया और गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दे दी, तो इंद्र से रहा नहीं गया कि गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दी, इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार इंद्र ने अपने गुरु का सिर काट दिया, इंद्र को गुरु हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने चार स्थानों में अपनी ब्रह्म हत्या बांटी। पहली हत्या दी स्त्री को जो रज के रूप में दिखाई पड़ती है, दूसरी हत्या दी पृथ्वी को जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है, तीसरी हत्या दी जल को जो झाग के रूप में दिखती है, और चौथी हत्या दी वृक्षों को जो गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है। विश्वरूप को मार करके त्वष्टा ऋषि को पता लगा तो उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया। अब वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए चले। दधीची ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया और वृत्तासुर और इंद्र का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जब दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र जब वृत्तासुर ने देखा तो वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। हमारे देश में कैसे दानी संत हुए हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दिया था। बताओ क्या नाम था उन संत जी का? मैया। जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दी उन ऋषि का क्या नाम था? जोर से, दधीची। हड्डियों का दान कर दिया। एक बार जब इंद्र का वृत्तासुर से युद्ध हो रहा था तो वृत्तासुर ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र देखा तो संत की हड्डी में वृत्तासुर को भगवान का दर्शन हुआ और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते ग्रणीत वा कर्म करो तुकाय। अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। वृत्तासुर ने कहा, हे प्रभु मैं आपकी उपासना आपकी भक्ति नहीं कर सकता, यदि आपके भक्तों में भी मेरा मन लग गया तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझे अपने भक्तों से दूर ना करो। परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? अब मैं आपको एक सुंदर सी बात समझाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने राक्षस होकर भगवान की स्तुति क्यों की? ये सवाल परीक्षित जी का, उत्तर सुनिए। वृत्तासुर तो राक्षस थे पर वह पूर्व जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वृत्तासुर पिछले जन्म में क्या थे? चित्रकेतु नाम के राजा। अब बहुत ध्यान से कथा सुनिएगा, आपको समझ में आएगी, तरीके से सुनिएगा ध्यान पूर्वक। एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, दुर्भाग्य से पत्नियां तो बहुत थी पर संतान नहीं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बड़े दुखी रहा करते थे चित्रकेतु के इतना बड़ा राज्य है, वैभव है,
इतनी बड़ी सत्ता को संभालेगा कौन? एक संत जी से कहा कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा वैसे तो तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, पर तुम्हें एक पुत्र मिलेगा, पर वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा ने विचार नहीं किया, बोले ठीक है। संत ने एक फल दिया, पत्नी को खिला दो पुत्र होगा। पत्नी को खिलाया, समय आने पर एक सुंदर सा पुत्र हुआ। पत्नी का नाम था कृतद्युति। पांच कृतद्युति को जब बेटा हुआ, और बेटा जब पांच साल का हुआ तो पांच वर्ष का बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हो गया। बहुत सारी रानियां थी, राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो उनके अंदर जलन हो गई कि राजा अब तो हमें प्यार नहीं करते, हमें स्वीकार नहीं करते। उसको बेटा है तो राजा ज्यादा समय उसे देते हैं। राजा की पत्नियां बहुत थी और बेटा हुआ केवल एक को, तो जिनको बेटा नहीं हुआ उन्होंने उस बच्चे को जहर देकर के मार दिया कि राजा अब हमें समय नहीं देते, इसे जहर देकर मार दो। जहर देकर के मार दिया। पांच साल का बच्चा जहर के लड्डू खाया, सोया तो सोता रहा। रानी राजा ने देखा कि हमारा पुत्र जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा था। रोने लगे राजा, हे विधाता तुमने हमारे बेटे को क्यों मार दिया? क्या बिगाड़ा था हमारे पुत्र ने? उसने तो अभी दुनिया नहीं देखी। राजा रानी माथा पीट रहे थे, रो रहे थे। तब नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, राजन आप इतने समझदार होकर आप रो रहे हैं? महाराज मेरा पुत्र, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा? उस बेटे की मृत्यु हो गई अकस्मात, क्यों? मारना था तो मुझे मार दिया होता, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा? नारद जी ने समझाया कि जिसकी मृत्यु जब होनी है तभी होगी, इसलिए तुम शोक ना करो।